तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कवर लेटर कैसे प्रिपेयर करते हैं गूगल डॉक्स में। तो इस वीडियो को 3 स्टेप्स में कवर करेंगे। पहला, कवर लेटर के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ, गूगल डॉक्स में। दूसरा, कवर लेटर प्रिपेयर कैसे करते हैं। और तीसरा, कवर लेटर प्रिपेयर करने के बाद उसको पीडीएफ या वर्ड में डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स में मैं इससे पहले 20 वीडियोस बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जब आप गूगल डॉक्स पर लॉग इन कर लेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस बार में, मैं आपको दिखा देता हूँ, docs.google.com। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए टेम्पलेट गैलरी आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, राइट हैंड साइड में टेम्पलेट गैलरी, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए। ये ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो नीचे देखिए सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला है रिज्यूमे, दूसरा है लेटर। ठीक है, ये देखिए लेटर। ठीक, इससे पहले था रिज्यूमे, उसके बाद नीचे देखिए पर्सनल है, वर्क है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज लेटर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले रिज्यूम बनाना मैं बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज लेटर के बारे में बात करेंगे। तो लेटर में भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, लेटर स्पीयरमेंट है, लेटर स्विस है, बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर मॉडर्न राइटर है, और ये इनफॉर्मल लेटर है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यहाँ से फॉर्मेट या टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज सेलेक्ट करते हैं बिजनेस लेटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा बिजनेस लेटर, जियोमेट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो जाएगा। इस पर हमने देखिए क्लिक कर दिया है, अभी ये हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए ये ओपन हो गया, ये है हमारा बिजनेस लेटर। इसका टेम्पलेट भी आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत सा है। इधर डिजाइनिंग, इधर राइट हैंड साइड में डिजाइनिंग दी हुई है। इसको नीचे लेके चलते हैं तो यहाँ देखिए इस तरीके की कुछ डिजाइनिंग दी होती है, डिजाइनिंग दी हुई है। ठीक है, अब प्रिपेयर करना भी बहुत आसान है। जो कुछ जिस क्रम में दिया है उसको उसी क्रम में आप एडिट करते जाइए, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये मैटर, नेम और डेट वगैरह, जो कुछ जैसे जैसे दिया है आप अपना उसमें एडिट करते जाइए। और जब सब कुछ एडिट हो जाए और जब आपका कवर लेटर प्रिपेयर हो जाए तो फिर आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर देखिए ये फाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, ये रहा डाउनलोड। इस पर जब अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना ये जो कवर लेटर है उसको डाउनलोड करना है, तो सिंपल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देना है और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ये आपका जो कवर लेटर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपको डाउनलोडिंग दिखने लगेगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए डाउनलोड भी हो गया हमारा लेटर। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी जो कुछ भी आपने एडिट किया होगा, जब मतलब जो भी आपने कवर लेटर प्रिपेयर किया होगा वो सामने ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये देखिए, ठीक है, अभी यहाँ हमने कुछ एडिट नहीं किया था कि वैसे का वैसा दिखा रहा है। जब आप एडिट कर देंगे तो सारी चीज एडिट, जो जो कुछ आपने वहाँ पे एडिट किया होगा वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कवर लेटर प्रिपेयर कर सकते हैं गूगल डॉक्स में।